तो फ्रेंड्स, 9 जुलाई 2020 को कैनन ने अपने दो नए मिररलेस कैमरा, फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा लॉन्च कर दिए हैं, जो कि है पहला है US R6 और दूसरा है US R5। दोनों ही मैं अपग्रेड तो नहीं बोल सकता, लेकिन आर वो यूएस आर और यूएस आर पी से अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब लेटेस्ट कैमरे हैं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे जो यूएस आर फाइव आया है उसके फीचर्स जानेंगे, उसमें रिव्यू हमें दूंगा कि क्या क्या उसमें आपको एडवांटेज मिलती है, क्या क्या नई चीजें आई हैं, उनका आपको क्या क्या बेनिफिट आपको इन फ्यूचर में अगर आपको कैमरा परचेज करते हो तो उनमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगले ही वीडियो में हम दोनों का R5 और R6 का कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे R5 के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और रिव्यू की, और प्राइस भी बताऊंगा मैं। तो अंत तक हमारे वीडियो देखते रहिए आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज हम स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं जो कैनन का रिसेंटली 9 जुलाई 2020 को जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है US R5। दो मॉडल लॉन्च हुए हैं, R5 और R6, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ R5 की। जो R5 है वो फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है कैनन का, और ये अनाउंस 9 जुलाई को हुआ है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। साथ ही साथ बात करूं इसके मेगापिक्सल की, तो अभी तक ये मिररलेस में कैनन का सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जो कि आपको 45 मेगापिक्सल के साथ में मिलता है। दूसरी बात करूं कि इसमें जो एक और जो नई और बहुत ही बेहतरीन और खास एडवांटेज आई है वो है इसमें अभी तक 20 FPS आया है। जो 20 FPS है वो कैनन में शायद अभी तक किसी कैमरे में नहीं था। पहली बार कैनन ने 20 FPS की मैक्सिमम शूटिंग स्पीड का कैमरा निकाला है, तो ये भी एकमात्र कैमरा है कैनन का भी। वैसे जो R6 है उसमें भी 20 है, लेकिन दोनों ही मतलब ये नया फीचर आए हैं। जहां से ज्यादा पहले कैनन ने जो 1DX था उसमें 14 FPS की शूटिंग स्पीड थी, लेकिन इसमें आपको 20 देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करूं तो इसमें आपको 8K मूवी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो अब से पहले कैनन में ही नहीं किसी भी जैसे सोनी या निकन या फ्यूजी या पैरासोनिक में नहीं था। सिर्फ जो फिल्म मेकिंग जो ब्लैक मैजिक वगैरह के कैमरे आते हैं या बिल्कुल प्रोफेशनल जो 20-25 लाख के कैमराज आते हैं उनमें ही आपको 8K का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन मिररलेस में पहली बार आपको 8K का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 8K के साथ साथ एक और चीज जो एडवांस कैनन ने करी है वो भी ये है कि 4K जो है वो 120p में बनाएगा, मतलब 4K 120 फ्रेम में बनाएगा। अब पहले जो 4K बनते थे जैसे निकोन और सोनी में तो 30p पे ही बनते थे, लेकिन पैरासोनिक और फ्यूजी के कुछ जो 2 लाख से ऊपर वाले कैमरे हैं उनमें आप 4K 60p बना सकते थे, लेकिन कैनन ने 4K 120p R5 में दिया है, जो ये भी बहुत एक अच्छी एडवांटेज। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा जब आप बड़े LED LCD पे आप 4K कोई भी वीडियो या मूवी आप देख रहे हो, तो उसमें जो इससे बनाया हुआ R5 से तो उसका जो स्मूथनेस और शार्पनेस है वो बाकी 4K के कंपेयर में काफी बेटर आपके रहने वाला है। और साथ ही साथ बात करूं और एक और ऑप्शन है, फुल HD भी आप बना सकते हो, 120 फ्रेम और 100 फ्रेम पे फुल HD भी आप बना सकते हो। 4K के और भी पार्ट्स है, जैसे 4K 60p भी है, 100p भी है, या फिर 30p 24p 25p भी है। 8K जो बनेगा वो 30p पे बनेगा, 24p और 25p पे बनेगा, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। प्रोसेसर जो रखा है वो DGX प्रोसेसर है, जो कैनन का नया प्रोसेसर है। उससे पहले जो प्रोसेसर आ रहा था वो DG8 इमेज प्रोसेसर आ रहा था, उसको अपग्रेड करके कैनन ने DGX प्रोसेसर इन दोनों ही कैमरास में दिया है, मतलब बिल्कुल नया प्रोसेसर के साथ में ये दोनों कैमरे आएंगे, जिससे कि इनकी हर फीचर प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह जो है वो सब कुछ जो DG8 प्रोसेसर था उससे काफी फास्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं ISO की, तो ISO 100 से लेके और 51,200 तक रखा गया है, और आप मैक्सिमम इसको 1,02,000 तक कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा कैमरा है, इतने अच्छे फीचर है और ISO 1 लाख तक ही, क्योंकि जहां तक जो भी फुल फ्रेम कैमराज आ रहे हैं जिसे सोनी में हो, कैनन में हो, पैरासोनिक में हो, उनका 2 लाख 4 लाख ISO आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कैमरा है ये 45 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जो ज्यादा रेजुलेशन कैमरे होते हैं उनमें जो ISO होता है वो काफी कम होता है। तो जितना ज्यादा रेजुलेशन होता है, जैसे इसमें 45 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ISO उतना ही कम रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा रेजुलेशन है अगर आप ज्यादा ISO दे देंगे तो वो ऑलरेडी डिटेल वैसे लॉस हो जाएगी, जैसे आपने निकोन G7 में देखा है ISO कम है या सोनी R4 में देखा होगा आपने।
तो रेजुलेशन वैसे आईएसओ 1 लाख भी काफी सफिशियंट है, क्योंकि जहां तक है जहां से आईएसओ आप 10,000 भी शूट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा। और एक और चीज जो सबसे नई और सबसे इसमें एडवांस की गई है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो 8 स्टॉप तक किया गया है। 8 स्टॉप जैसे पहले आपने कभी सुना होगा कि 5 एक्सेस इमेज स्टेबलाइजेशन, 4 एक्सेस इमेज स्टेबलाइजेशन, ज्यादातर कैनन सोनी और निकोन के जो भी फुल फ्रेम कैमराज आ रहे हैं अभी उनमें 5 एक्सेस इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इसमें 8 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका क्या बेनिफिट है, जैसे कि आपने कई बार आपके पास कोई भी कैमरा हो, निकोन हो, कैनन हो, सोनी हो, तो आपने देखा होगा आप जब अगर आप वीडियो बना रहे हैं या फोटो कैप्चर कर रहे हैं अगर हाथ से, और आपकी शटर स्पीड अगर 60 से थोड़ी कम है, तो अगर हल्का सा भी आपका हाथ में शेक होता है तो वो आपकी फोटो ब्लर हो जाती है। वो नॉर्मल कैमरा DSLR में होता है। मिररलेस में आप क्या करते हो कि आपके अगर 30 से कम की शटर स्पीड होती है तब वो दिक्कत आती है। अगर आपका कैमरा 5 एक्सेस इमेज स्टेबलाइजेशन है और आपने 1/30 की शटर स्पीड रख रखी है, उससे कम में आप शूट कर रहे हो, तो अगर आपका हल्का सा भी हाथ शेक होता है तो वो ब्लर का इफेक्ट आएगा। लेकिन इसमें 8 स्टॉप तक है, मतलब उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस, मतलब आप 1/10 की शटर स्पीड पे भी अगर हैंड से फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपकी फोटो शेक होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो अभी तक किसी कैमरे में नहीं थी। कैनन ये लेके आया है 8 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजेशन। हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी ब्रांड्स में भी ये आपको देखने को मिल जाए। अब बात करें ऑटो फोकस पॉइंट्स की, तो जो फोकस पोजीशन है वो 5,900 फोकस पोजीशंस है, और ऑटो फोकस की मैं बात करूं जो सिलेक्टेबल है वो 1,053 ऑटो फोकस पॉइंट इसमें रखे गए हैं, जो कैनन में अभी तक के सबसे ज्यादा ऑटो फोकस पॉइंट इसमें दिए हैं। साथ ही साथ बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है। कार्ड स्लॉट की बात करें तो 2 कार्ड स्लॉट इसमें आएंगे, एक तो आपके हाई स्पीड SD कार्ड लगा सकते हो, और एक जो CF एक्सप्रेस जो नए कार्ड आ रहे हैं वो भी इसमें फुली कंफर्टेबल है। CF एक्सप्रेस का आपने नाम नहीं सुना होगा तो निकन में जो लगते हैं, आपने X2D नाम कार्ड का नाम सुना होगा सोनी के, सेम उसी साइज के CF एक्सप्रेस कार्ड भी आते हैं जो कि इसमें आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड 30 मिनट से लेके और 1/8,000 की मैक्सिमम इसमें शूटिंग स्पीड देखने को मिलती है। बात करें व्यू फाइंडर की, तो व्यू फाइंडर जो इसका है तो वो 0.5 इंची का OLED व्यू फाइंडर इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको 5.76 लाख डॉट्स मिलते हैं, जो कि काफी, मतलब इसमें जब आप व्यू फाइंडर देखेंगे तो काफी बड़ा है, और उसके जो कलर्स दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, या आप जब व्यू फाइंडर से देखेंगे तो वो देखने का जो आपका नजरिया है वो काफी अच्छा रहेगा, मतलब जो व्यूइंग है वो आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें दिखेगी। और बात करूं मैं LCD मॉनिटर की, तो जो LCD मॉनिटर है वो 8 इंची का LCD मॉनिटर दिया गया है, जो फुल्ली टच है, और आपके एडजस्टेबल स्क्रीन है, मतलब कि आप अप और डाउन जैसे किसी भी एंगल से आप यूज करना चाहो, 170 डिग्री तक का एंगल आप उसमें शूट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं इसके वेट की, तो वेट अगर बैटरी लगा के बात करें तो इसका 650 ग्राम वेट बनता है। साथ ही साथ हेडफोन और माइक्रोफोन जैक दोनों ही इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 3.5 mm का माइक जैक है, और आप हेडफोन भी इसमें लगा के आप जो शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, साउंड वगैरह की क्वालिटी वगैरह आपको देखनी हो तो वो आप इसमें देख सकते। और एक और चीज की बात करूं जो है टाइम लैप्स मूवी रिकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम लैप्स का आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है, तो टाइम लैप्स भी इसमें, जैसे 8K ये मूवी बनाता है तो आप 8K ही इसमें टाइम लैप्स भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ ही साथ 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसका प्राइस जो है वो बॉडी ओनली का 3,20,000 रुपए MRP है, और लेस करके आपको जो हो सकता है 8-10% जो डिस्काउंट हो वो करके आपको 2,80,000-90,000 तक, वैसे कंफर्म नहीं है। प्राइस के ऊपर मैं आपके लिए जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें R6 और R5 दोनों के बॉडी प्लस किट कौन कौन से आ रहे हैं, उनका प्राइस, और लेंस वगैरह जो आ रहे हैं उनके प्राइस क्या क्या रहेंगे, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ नए वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे R5 और R6 को। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।